रेडिजेंटेंटमेन सेवेंटी नाइन्थ मॉड्यूल इसल अबाउट एक्सफिशेंसी थे अब जहाँ पे हमने उसको देखा कि इसकी प्रैक्टिस को हमने फॉर्म किया कि एफिशिएंसी ऑन अ राइटर वे राइट डायमेंशन पे देखें लेफ्ट पे भी हमने उसको तराजू की एन मुताबिक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा अगर मेरी इंप्लॉय साइड के ऊपर एक्सफिशेंसी है तो मुझे इस साइड के ऊपर भी एक्सफिशंसी रखनी होगी तो जब मैं बैलेंस आउट करूंगा तो मुझे आउटपुट रिजल्ट जो है वो एक्स एफिशिएंसी पे मिलेगा अब मैंने एलोकेटिव एफिशिएंसी के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं न्यू क्लासिकल थेरीज को हमने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और हम ले आए एक्स एफिशिएंसी पे अगर मोनोप्लिस्टिक मार्केट में नॉर्मली ये करते हैं कि हमने प्रोडक्शन अच्छी कर दी तो बस ठीक है और हमारा सारा जोर जो है वो मार्केट के ऊपर होता है मार्केट ओरिएंटेशन के ऊपर होता है और हम वन साइडली पोस्ट स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हैं जबकि हम पुल स्ट्रैटेजी पे बिलीव ही नहीं करते पुल स्ट्रैटेजी ये होती है कि कंज्यूमर आपका डिमांड करे आपकी प्रोडक्ट यही एक चीज हुई थी आपको याद होगा कि शुरू में एक कुछ नाम लिए बगैर मैं बताता हूं कि चंद गाड़ियां थी एक गाड़ी बनी थी और उस गाड़ी के अंदर जो सिर्फ ब्लैक में थी तो जो ओनर थे उसने कहा कि आई नॉट सेल नन अदर देन ब्लैक तो वो अपने आइडिया पे रजिड हो गए जब वो आइडिया पर रेजिड हो गए तो उन्होंने उतने ही सोर्सेस दिए जितने चाहिए थी लेकिन मार्केट क्या थी मार्केट ने कहा कि मुझे सेडान चाहिए मुझे हच चाहिए मुझे जीप मॉडल में भी चाहिए मुझे डायरेक्शन एंड डायमेंशन एरोनामिक्स अलग अलग चाहिए तो वो उस मीट नहीं कर सका और मार्केट जो है वो स्विच होना शुरू हो गई कई और कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए तब उसको ख्याल आया और उसने अपनी जिद को जब छोड़ा तो फिर नए नए कलर्स के अंदर वो गाड़ियाँ आ गईं

फोर और फाइव लेवल्स हम इसको चार लेवल्स को डिस्कस करते हैं लेवल हम छोड़ देते हैं वन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लेबर आर कंप्लीट अब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मार्केटेड नहीं होते फिर तीसरा क्या होता है कि आपकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो मार्केट के अंदर आती हैं और हमारे विच इज अनोन मार्केट और यू कैन से हमारी अन मार्केट का हमें आइडिया नहीं है फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केट की मैं एग्जाम्पल देता हूँ मंगोरा सवात से लेकर आपके खोजदार से लेकर बलोचिस्तान के बाकी इलाकों में देख लें सवात इधर देख लें आपका ये नॉर्थ बेल्ट आपका बलोचिस्तान बेल्ट उसके अंदर चले जाए वहाँ पर जब तक मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करूंगा मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी ज़ाया हो जाएगा और अगर जब वो ज़ाया हो जाएगा तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अब यानी मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा मुझे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तौर पर जरूरत है दिस इज द नीड ऑफ द टाइम दॉलेजेज वो स्ट्रक्चर जो कि मैं आईटी बेस्ड बनाने लगा हूं उसकी इंपॉर्टेंट पहले हो गई है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली चाहिए क्योंकि सप्लाई चेन तो उसी से होगी तो सम हाउ इज पैरेलली इक्वल पैरली मार्केट को कैसे डिजाइन करना है और रिस्पेक्टिव टेक्निक को कैसे लेकर आना दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट व्हिच इज कॉल्ड हाउ वी एनालाइज द एक्स एफिशियंसी थे एक्स एफिशियंसी प्रैक्टिस इन द मार्केट सो कंसोलिडेट करते हुए हम जब एक्स एफिशियंसी के एनालिसिस तक पहुंचते हैं तो हम चंद और कंसिड्रेशन भी देखते हैं जिसको मैं लार्जली uh, चार यूनिट्स के अंदर देख सकता हूँ विच इज साइलॉज साइकोलॉजिकल सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट थर्ड इज एफर्ट फोर्थ इज आपका जो है वो इनर्ट uh, एरियाज हैं और पांचवा तो आपका बनता है एजेंट प्रिंसिपल इन चार पांच चीजों को भी समझाना बहुत जरूरी है हम पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी थ्योरी नॉट कंसीडर द फर्म आर ऑपरेटिंग ऑन ऑप्टिमल लेवल जैसे मैंने लास्ट uh, किया कि प्रैक्टिस के बाद जब हम एनालिसिस फेज में जाते हैं तो हमने ये दोनों को बैलेंस आउट करना होता है लेकिन ये चार फैक्टर हम माइनस नहीं कर सकते जिसके अंदर हम ऑप्टिमल लेवल कंपेयर टू द न्यो क्लासिकल मैंने आपको कहा कि वो रिजेक्ट हो चुकी अब गैप को, हम गैप को को हम फिल आउट करते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं psychology, psychology है इसके हम ओवरऑल रेशनैलिटी जब देखते हैं तो नॉर्मली मनोपली में क्या होता है कि मार्केट समझते टोटल मनोपली मेरी है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी आ, उ, उस कार की जो दे ओनली सेल इन ब्लैक तो जब ये मार्केट चेंज हुई तो उन्होंने कलर भी प्रोड्यूस किया उन्होंने सैदान भी दी हज भी दिया जीप भी दिया और फिर वो क्या हुआ चेंज हो गया फिर उस प्रोडक्ट के हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो मेन डिवीज में जाती है यानी डेमोग्राफिक चेंज हो जाती है उन्नीस 1970 का बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी था 1950 के बेबी से डिफरेंट है अच्छा बेबी बूमर से पहले के ज़माने में देखें उन्नीस सौ से या सत्रहवीं सदी के बच्चे से जब जिनका जिक्र भी नहीं हुआ करता था एक तादाद बड़े होकर पता चलती थी तो पंद्रह बच्चे थे या नाना के तीस बच्चे थे या चालीस बच्चे थे तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता था कभी ये पता नहीं चलता था आज एक बच्चा होता है और पूरी जमाने को पता होता है अब उसने ये कर दिया अब उसने ये कर दिया तो इंटेंस किस्म का उसके पास आ, उसको उसको ऊपर देखा जा रहा है उसकी पैम्परिंग हो रही है उसके बिहेवियर उसकी साइकोलॉजी अब उसने ये कर दिया ये, ये सोच रहा था कि ये सोचने वाला है कहीं ये वर्चुअल रियलिटी में तो नहीं जाने लगा तो अब उसका डेमोग्राफिक भी चेंज हो गया अब वो कपड़े कैसे पहनेगा अब उसकी इनकम के मुताबिक वो कैसा दिख रहा है वो कहाँ जा रहा है वो आपने उसके लिए कैसी ब्रांडेड चीजें तो एक बच्चा आपकी कॉस्ट अलग से कर रहा है यानी पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक तो बड़ी एलईडी चाहिए और उसके बाद आपको कोकोमैलन भी चाहिए फिर उसके बाद उसको कोकोमैलन के कई वेरिएंट्स भी चाहिए फिर पाँच छः कार्टून्स के ऐसे चैनल्स हैं जिसकी वजह से वो बोर हो जाता है तो वो ई करके रोता है और वो रोने के बाद वो बताता है कि मुझे ये ये डेमोक्रे इस, इस लेवल के ऊपर ये वाला प्रोग्राम चाहिए तो आप देखें कि मैंने आपको ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल बेबीज़ की दी यही हिसाब से आपके मख्तल एज के हिसाब से इनकम के हिसाब से माइंड सेट के हिसाब से सेक्टर्स के हिसाब से आपकी जो है वो कैटेगरीज डिफरेंट होगी और मार्केट स्प्लिट एंड डिवाइड होकर बहुत सारे कलर्स में तब्दील हो चुकी है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस देखें कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जो होता है वो पुल करता है आपका बेबी सेक्टर जो है या चिल्ड्रन सेक्टर जो है वो हैप्पी मील जो है वो एक टॉय आपकी इतनी ज्यादा आपकी झाड़ लगाता है पैसे की जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स जो है वो मैकडोनल्ड पहुंचे हुए होते हैं सो दिस इज वन एग्जाम्पल सेकेंड जी कॉन्टेक्ट इनकम्प्लीट होते हैं और कंप्लीट होते हैं एफर्ट आपकी डिस्क्रिशनल बेसिस होती है उसके वेरिएन आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स में इनर्ट इंटरेस्ट कहा जा रहा है और आपके डिफरेंट इंटरेस्ट के अंदर आइडेंटिफाइंग ऑफ द इंटरेस्ट यानी नए सेगमेंट्स को आपने रीच आउट कैसे करना है सो so, इन पूरी टोटल ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए मोनोपोली या, या, दौपली या दौपली के अंदर जाने के लिए, मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस आपको सिर्फ फंक्शनल बेसिस पे नहीं बल्कि इमोशनल बेसिस पे भी करना पड़ता और इसको हम सेंटिमेंटल बेसिस भी कह सकते थैंक यू वेरी मच